हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? सब अच्छे होंगे। आज हम इस सबमर्सिबल पंप का रिव्यू करेंगे। अगर आप एक एक्वेरियम हॉबिस्ट हो तो आपको ऐसा सबमर्सिबल पंप ले लेना चाहिए। ये बहुत यूज़ आता है हमारे एक्वेरियम हॉबी में। यहाँ इसका फीचर लिखा हुआ है, प्रिकॉशन है या स्पेसिफिकेशन है। इसमें हाइट मैक्स लिखा है 5.5 फीट, मतलब 5.5 फीट तक ऊपर वो पानी पहुंचा सकता है, ऐसा है। ये बहुत काम की चीज़ है, हम एक्वेरियम में यूज़ कर सकते हैं। यहाँ इसका एडवांटेजेस लिखा है, फुली सबमर्सिबल है, नो रस्टिंग है, नो जामिंग है, स्मॉल साइज है, मल्टीपल पर यूज़, इसी मेंटेनेंस है, लो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम। मैं आपको बताता हूँ, अगर आप एक एक्वेरियम हॉबिस्ट हो तो आपको ये बहुत काम आता है। हम एक्वेरियम का पानी निकालने के लिए, जैसे कि मेरा जो फोटो चेंज का वीडियो था उसमें मैंने लगाया हुआ है, आपने शायद देखा होगा। अगर नहीं देखा हो तो देख लीजिएगा वो वीडियो, इसमें मैं कैसे वो जॉइंट करके पानी निकाल रहा हूँ। यहाँ ऊपर से हमें पाइप को कनेक्ट करना रहेगा, और जैसे ही कनेक्ट करके हम प्लग स्विच ऑन करेंगे, ये अपना काम शुरू कर देगा, और कुछ ही मिनटों में ये पानी सब निकाल देगा। ये यहाँ से पानी खींचता है, ये ऐसा निकल जाता है क्लीन करने के लिए। दूसरी बात ये कि इसका वायर जो है वो थोड़ा छोटा रहता है, तो मैंने ये एक्स्ट्रा कनेक्ट किया है, ज्वाइन किया हुआ है प्लग, ताकि वो हमें आसानी रहे। ये देखो इतना आता है, करीबन 1 फुट जैसा ही आता है, बहुत अच्छे से वर्क करता है। और दूसरा ये है कि हम इसको अपने एक्वेरियम फिल्टर के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, वो मैं एक दूसरे वीडियो में बताऊंगा कैसे आप इसका यूज़ फिल्टर के लिए कर सकते हो। लेकिन अगर आपने ये ऐसा कुछ सबमर्सिबल पंप नहीं लिया है तो आपको लेना चाहिए, बहुत काम का है हमारे एक्वेरियम हॉबी में। और ये मल्टीपर्पज़ है, जैसे कि कुछ फाउंटेन या ऐसे में भी हम यूज़ कर सकते हैं इसका। आप देख सकते हो मैंने इसको मेरे आउटसाइड पॉन्ड में रख दिया है पानी निकालने के लिए, आपको बताने के लिए ये कितनी फास्ट पानी बाहर फेंकता है, तो आप देखते रहना। ये मैंने उसमें मेरे आउटसाइड पॉन्ड में लगा दिया है, उसमें पाइप कनेक्ट कर दिया है, अभी ये मैंने चालू किया। ये देखो कितने फोर्स से पानी आ रहा है। तो आपका एक्वेरियम का पानी सिर्फ 2-3 मिनट में ही ऐसे निकल जाता है।